आज हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। जब आप इसको घर पर बनाएंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त लगेगी। तो ये रेसिपी आपको घर पर एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। जब आप ये नान और रोटी के साथ खाएंगे ना तो मजा ही आ जाए। और ये देखिए कितना जबरदस्त भी लग रहा है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो शेयर जरूर करना। तो चलो देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन, 2 बड़े टमाटर जिसका मैंने रफली पेस्ट बना लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आगे बताती जाऊंगी तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे की एक बड़ी कढ़ाई ले ली है। इसमें डाल देंगे ये चिकन। मैंने चिकन के पीसेस को थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखा है। और साथ ही डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच नमक डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, ये इसी में पक जाएगा। अब ये पकने लगा है तो अब हम इसको खुला पकाएंगे, जब तक इसका थोड़ा पानी सूख ना जाए। फ्लेम को मैंने हाई कर दी है। अच्छे से चम्मच चलाते हुए इसको और थोड़ी देर पकाएं। ये पकते रहेगा यहाँ पर। साइड में मैंने यहाँ पर कुकर को चढ़ा दिया है, जिसमें मैं प्याज को गला लूंगी। मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिए हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। बस 1 विजल देके मैं इसको गला लूंगी। साइड में ये भी यहाँ पर पक रहा है। देखिए ये प्याज भी गल चुकी है, बहुत जल्दी गल जाती है ये प्याज 1 ही विजल में। इसको थोड़ा ठंडा करके इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। ये लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाया है मैंने। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी थिक होने लगी है। अब ये प्याज का पिसा हुआ पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली पाउडर। चिली पाउडर को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट पकाएं।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बॉल दही। थोड़ा सा इसको फेंट कर डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये थोड़ा पकने लगा है, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। अब इसको ढककर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसमें तेल छूटने लगा है। जब ये तेल छूटने लगेगा तब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर 2 मिनट ढककर पकाएंगे। इसकी ये बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। चिकन अच्छे से अब गल चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये सारी चीजें। 2 हरी मिर्च मैंने काट ली है और अदरक को भी मैंने ऐसे लंबे पीसेस में काट लिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी लिया है। अब ये सारी चीजें इस पर डाल देंगे। अब ये कढ़ाई चिकन लगभग बन के तैयार हो चुका है। कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए सिजलिंग होते हुए कितना जबरदस्त लग रहा है। अब ये पक चुका है तो फ्लेम को इसकी बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है और इस ग्रेवी की थिकनेस भी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और ये टेस्ट और खुशबू में तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करना और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही मेरे नए रेसिपीज के वीडियोस मिलते रहें। तो मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।